बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान यूनस, लेक्चरर इन स्टैटिस्टिक्स, कनकोडिया कॉलेज, साहिवाल। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आवर टुडे टॉपिक्स आर इंडेक्स नंबर। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर One of index number. Our today topics are define index number. Second one is types of index number. Third one is steps of construction of index number. Dear students, index number kya cheez hai? An index number is a device which measures the changes in a variable, a group of related variables, with respect to time or space. Dear students, जैसे कि हमें पता है कि index number को हम other name भी देते हैं, इसके एक और नाम भी है, that is economic barometer. तो index number क्या चीज है? Index number एक ऐसा device है चूंकि चेंजेस मेजर करता है, रिलेटिव चेंजेस मेजर करता है, किसके दरमियान में, वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से और जगह के लिहाज से। टाइम के लिहाज से चेंजेस कैसे मेजर करता है? मिसाल के तौर पे हम चेंज मेजर करते हैं प्राइसेस ऑफ मिल्क। हम देखते हैं 2005 में दूध की क्या कीमत थी, दूध की क्या प्राइस थी, और आज करंट ईयर 2020 के अंदर दूध की क्या कीमत है। तो इसको हम कहते हैं चेंज मेजर करना टाइम के लिहाज से। स्पेस हम जगह को कहते हैं, जगह का मतलब कि आज साहिवाल के अंदर मिल्क की प्राइसेस क्या हैं, और बड़े जो सिटीज हैं मिसाल के तौर पे लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे दूध की कीमतें क्या हैं। तो ये जो हम प्राइसेस में चेंज मेजर करेंगे, इसको हम कहेंगे इंडेक्स नंबर फॉर प्राइसेस। इंडेक्स नंबर आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड द सेकंड वन इज कंपोजिट इंडेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख के इसकी टाइप्स के नेम मेंशन कर देने हैं, तो यहाँ तक आपकी इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ये स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड द सेकंड वन इज कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अदर नेम कंपोजिट इंडेक्स नंबर का एग्रीगेट इंडेक्स नंबर होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर हम किसको कहते हैं, क्या होता है ये। एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर इफ मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल। ऐसा इंडेक्स जो कि एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में चेंजेस मेजर करता है, उसको हम सिंपल इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर फॉर वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, कि किन एम्प्लॉयज की जो है ना उजरतें जो हैं, मजदूरों की उजरतें जो हैं, वो एक वेरिएबल है, तो इसलिए इसको सिंपल इंडेक्स हम कहेंगे। इंडेक्स नंबर ऑफ वीट प्राइसेस इन लाहौर, किसी भी शहर में हम गंदम की कीमतें मालूम करना चाहते हैं किसी एक शहर के अंदर, तो ये भी बेटा आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर को हम एग्रीगेट इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ऐसा इंडेक्स कंपोजिट इंडेक्स कहलाएगा जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल में चेंजेस मेजर करेगा। ये देखिए ना, डेफिनेशन में लिखा हुआ है इन टू आर मोर देन टू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो बेस ईयर के लिहाज से दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में अगर हम चेंजेस मेजर करते हैं, तो इसको हम सिंपल इंडेक्स कहते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, दोनों इंडेक्स नंबर के अंदर फर्क बिल्कुल वाजे है कि सिंपल इंडेक्स ऐसा इंडेक्स होता है जो कि सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंजेस मेजर करता है, और कंपोजिट कौन सा इंडेक्स होता है जो कि दो या दो से
ज्यादा वेरिएबल के अंदर चेंजेस मेजर करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप लोगों ने जस्ट इन तमाम स्टेप्स के नेम लिख देने हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास पर्पज एंड स्कोप। पर्पज एंड स्कोप का मतलब होता है कि ये जो इंडेक्स आप बना रहे हो किस मकसद के लिए बना रहे हो, मकसद छोटा है या बड़ा है। अगर मकसद आपका पर्पज आपका बिल्कुल छोटा है तो उसको हम स्पेशल पर्पज कहेंगे और उसकी स्कोप जो है ना वो लिमिटेड होगी। अगर पर्पज आप लोगों का बेटा जनरल पर्पज है, मतलब ज्यादा लोगों के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसकी स्कोप जो ना वो वाइड होगी, मतलब ज्यादा होगी। तो इस स्टेप्स के मीनिंग आपको समझ आ गए होंगे कि पर्पज पे ही उसकी स्कोप डिपेंड करती है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ आइटम। स्टेप्स के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं कि हम कितनी आइटम्स, आइटम्स की जगह पे एक और वर्ड भी यूज होता है कमोडिटीज, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने कितनी आइटम जो है ना वो अपने इंडेक्स के अंदर रखनी है। थर्ड स्टेप है बेटा सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस एंड सोर्स ऑफ डाटा। बेटा डिफरेंट प्राइसेस होती हैं हर चीज़ की, तो इस स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि हमने प्राइसेस कौन सी चूज करनी है और उन प्राइसेस का, जो प्राइसेस आप ले रहे हो, जो प्राइस का डाटा आपने लिया है, उसका सोर्स क्या है। ये डियर स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप जो कि हमारा है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड में इस स्टेप्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने बेस पीरियड किस तरह से लेना है, क्या वो फिक्स बेस पीरियड होगा या वो चेन बेस पीरियड होगा। जी फिफ्थ स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ एवरेज। डियर स्टूडेंट्स, इंडेक्स के अंदर आमतौर पर तीन किस्म की एवरेज यूज होती हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, जिसको सिंपल एवरेज कहते हैं, देन मीडियन एंड देन ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें डिसाइड करना होगा, हमें बताना होगा कि हम कौन सी एवरेज यूज कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो स्टेप्स का लास्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेट। इसमें हम चीज़ों की इम्पोर्टेंस के लिहाज से उन तमाम थिंग्स को हम लोग जो है ना वो प्रॉपर वेट देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास के अंदर भी हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का जो पहला लेक्चर है वो मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया है। तो आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों ने देखा इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन करवाई है, तो ये 2 मार्क्स के लिए आती है। तो इसको आप लोगों ने इतने पोर्शन को प्रिपेयर कर लेना है जो कि आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है। तो ये बेटा आपका इंडेक्स नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना डिफाइन इंडेक्स नंबर, इतने का बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आज आपने थ्रेटिकली देखा वो है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। और लास्ट हमारा था स्टेप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहीं तक हमारा लेक्चर है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के हम चैप्टर नंबर 5 की मजीद थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।